राजधानी भोपाल में पुलिस कर्मियों से अभद्रता करने के मामले में थाना जहांगीराबाद पुलिस ने मान्यवर शोरूम के मालिक सुमित अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी सुमित अग्रवाल पर शासकीय आदेशों का उल्लंघन और अभद्रता करने पर मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मान्यवर शोरूम के मालिक सुमित अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि गुरुवार रात भोपाल पुलिस और एक व्यवसायी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सबसे खास बात यह रही कि बहस कर रहा व्यवसायी न केवल रसूखदारों का नाम लेकर पुलिस कर्मियों को धमका रहा था, बल्कि पुलिस कर्मियों को गंदी गंदी गालियां भी दे रहा था और पुलिस बस व्यवसायी को शांत कराने में लगी थी। पुलिस कर्मियों के द्वारा गाड़ी रोके जाने के बाद व्यवसायी ने पुलिस कर्मियों को धमकाते हुए कहा कि मेरे दुकान पर मंत्री आईजी समेत कई रोज आकर बैठते हैं। पुलिस वालों को गालियां देते हुए कहा कि अभी यहीं परेड करवा दूंगा। पीएचक्यू में आईजी अनिल माहेश्वरी को जानते हो, वो मेरे फूफा हैं। तो अपना नाम बताओ, अभी परेड करवाता हूँ। शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी मेरे शोरूम में आकर बैठते हैं। विश्वास सारंग और नरेंद्र तोमर भी आते हैं। तुम जैसे 36 आते हैं। मौके पर पुलिस कर्मियों ने व्यापारी के पुलिस अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक को फोन लगाकर परेड कराने की धमकी देने के कारण फौरन कोई कार्रवाई नहीं की थी। घटना गुरुवार रात की है, इसके कारण वहां ट्रैफिक जाम हो गया था। पुलिस अब इस मामले में सुमित अग्रवाल पर शासकीय कार में बाधा डालने का मामला दर्ज कर लिया है।